बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स में आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है द कंप्यूटर जनरेशन। द कंप्यूटर जनरेशन में हमारा फोकस क्या होगा कि हम ये पता लगाएं कि कंप्यूटर्स ने किस तरीके से विद द पैसेज ऑफ टाइम इवॉल्व किया है, और एक लार्ज साइज मशीन जो कि सिंपल कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल की जाती थी, कैसे अब वो एक स्मॉल साइज मशीन में कन्वर्ट हो चुकी है जो कि हाईली रिलायबल, हाईली एक्यूरेट और हाईली एफिशिएंट है। डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर्स की इन्वेंशन से पहले का जितना भी एरा है वो हमारे पास जीरो जनरेशन कहलाता है। एक बात याद रखिएगा कि नंबर्स कैलकुलेशन, नंबर्स काउंटिंग, नंबर्स मैनिपुलेशन की ज़रूरत इंसान को आज नहीं बल्कि हमेशा से मौजूद थी। लेकिन कंप्यूटर की इन्वेंशन से पहले इंसान के पास कोई ऐसी मशीन नहीं थी जो कि उसको इन तमाम चीज़ों में फैसिलिटेट कर सके, एंड दैट इज़ वाई मैन वुड यूज हिज फिंगर्स, रोब्स, बोन्स, पेबल्स और इस किस्म के ऑब्जेक्ट के थ्रू काउंटिंग जो है वो परफॉर्म की जाती थी। फिर उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर्स इन्वेंट हुए। अब कंप्यूटर की इन्वेंशन के बाद इसमें कंटिन्यूसली जो है वो कंप्यूटर ने इवॉल्व किया है, जैसे कि लिखा हुआ है कि द कंप्यूटर हैज़ इवॉल्व फ्रॉम अ लार्ज साइज सिंपल कैलकुलेटिंग मशीन टू अ स्मॉलर बट मच मोर पावरफुल मशीन। स्टार्ट में जब कंप्यूटर्स हमारे पास डेवलप हुए तो कंप्यूटर का जो साइज था वो बहुत ज़्यादा था और इसकी जो कैपेबिलिटी थी वो बहुत कम थी। इट वुड बी यूज फॉर परफॉर्मिंग बेसिक एंड सिंपल कैलकुलेशन। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम कंप्यूटर हैज़ इवॉल्व और अब जो आपके पास कंप्यूटर है उनके साइज बहुत कम है और वो जो आपकी प्रोसेसिंग है उसमें बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर टू द करंट स्टेट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये जितना भी कंप्यूटर ने इवॉल्व किया है फ्रॉम दैट लार्ज साइज सिंपल कैलकुलेटिंग मशीन टू अ स्मॉल साइज मच एक्यूरेट एंड रिलायबल मशीन, इसको हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ जेनरेशन। इच जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज डिजाइन ऑन बेस्ड ऑफ न्यू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट resulting in better, cheaper and smaller components that are more powerful, faster and efficient than their predecessor, right? So kehne ka matlab kya hai ki hamare paas jitni bhi generations of computer hain un tamam generations mein hamare paas technological advancement aayi hai, matlab ki computer ke andar use hone wali technology ko improve kiya gaya hai jiski wajah se hamare modern computers प्रोसेसिंग पावर में, स्पीड में, एफिशिएंसी में, एक्यूरेसी में अपने से पिछली वाली जेनरेशन से इम्प्रूव करते गए और आज हमारे पास मॉडर्न, मच रिलायबल, मच एक्यूरेट एंड वेरी पावरफुल कंप्यूटर्स आर अवेलेबल। करंटली देयर आर 5 जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, 0 जेनरेशन के बाद हमारे पास 5 जेनरेशन है। इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल डिस्कस द जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ द टेक्नोलॉजी यूज बाय देम, कंप्यूटर करेक्टरिस्टिक्स दैट स्पीड, फिजिकल अपीयरेंस एंड देयर एप्लीकेशन। तो जो ये क्राइटेरिया यहाँ पर गिवन है इसकी बेसिस पे अब हम आने वाले स्लाइड्स में बकिया लेक्चर के पार्ट में कंप्यूटर्स की डिफरेंट जेनरेशंस को डिफाइन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं जेनरेशंस ऑफ कंप्यूटर की। जो फर्स्ट जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है दैट इज़ फ्रॉम 1940 टू 1956। द फर्स्ट जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज वैक्यूम ट्यूब्स फॉर द सर्किटरी एंड द मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर द मेमोरी एंड टेकिंग अप द बिग रूम। It was very expensive to operate and uses a great amount of electricity and produced a large amount of heat. Jo technology use hui thi first generation of computers mein wo thi vacuum tube. Jaise ki aapko right bottom mein picture mein nazar aa raha hai, vacuum tube was just like electric bulbs. Iske alawa jo memory ke liye jo hamare paas technology use hui thi that was magnetic drums. Ab yahan par aapko size ke bare mein bataya ja raha hai ki इट वुड टेक अप द बिग रूम्स, इसका साइज बहुत बड़ा था, राइट और इसको रखने के लिए आपको डिफरेंट बिग रूम्स की ज़रूरत पड़ती थी। इसको ऑपरेट करना जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था और इसको ऑपरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती थी और इन टर्न दे वुड प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट, राइट। They generated more heat, causing many problems in temperature regulation and climate control. Obviously, जब बहुत ज़्यादा heat produce हो रही थी तो उस heat की वजह से आपके पास जो है वो climate control का problem जो है वो सामने आया और जो आपका temperature है वो obviously आपकी environment के लिए जो है उसको normal होना बहुत ज़रूरी है।
ट्यूब्स वर सब्जेक्ट टू फ्रीक्वेंट बर्न आउट। और एक बड़ा प्रॉब्लम जो है, जिस तरह आपके इलेक्ट्रिक बल्ब जो कि आप घरों में यूज़ करते हैं, वो इस्तेमाल के साथ जो है वो जल जाते हैं और उनको रिप्लेस करना पड़ता है, यही प्रॉब्लम जो है हमारे पास जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हैं उसमें भी था, कि जो आपके पास वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे वो फ्रीक्वेंटली जल जाते थे, दे वुड सब्जेक्ट टू फ्रीक्वेंट बर्न आउट, जिसकी वजह से उनको बार बार क्या करना पड़ता था, रिप्लेस करना पड़ता था। ठीक है, यहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको एज ए एग्जाम्पल एक यूनिवैक कंप्यूटर के बारे में बताना चाहूँगा, विच वॉज एक्चुअली अ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, दैट इट हैड राउंड अबाउट 17,000 वैक्यूम ट्यूब्स। तो जस्ट इमेजिन कि अगर आप 17,000 वैक्यूम ट्यूब्स को एक कंप्यूटर में प्लेस करते हैं, एंड इमेजिन दैट अ वैक्यूम ट्यूब इज जस्ट लाइक अ इलेक्ट्रिक बल्ब, तो जस्ट आप इमेजिन कर लें कि 17,000 इलेक्ट्रिक बल्ब्स अगर आप एक जगह पे रखते हैं, सो सबसे पहले तो उसके लिए कितनी ज़्यादा हमें जगह की ज़रूरत होगी, तो जस्ट इमेजिन द साइज ऑफ दैट कंप्यूटर। सेकेंडली, जस्ट इमेजिन दैट हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी वुड बी रिक्वायर्ड टू एक्चुअली मेक देम वर्क, एंड इन टर्न हाउ मच हीट दे वुड प्रोड्यूस इन रिटर्न, राइट? तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हाउ डिफिकल्ट इट वॉज टू ऑपरेट दीज कंप्यूटर्स। ये जो आपके सामने इस वक्त एक पिक्चर है स्टूडेंट्स, ये आपके पास फर्स्ट जेनरेशन कंप्यूटर की पिक्चर है। इसके अलावा आप गूगल कर लें, आपको और भी सिमिलर पिक्चर्स जो हैं वो नज़र आ जाएंगी। ये देख लें स्टूडेंट्स, ये भी आपके पास फर्स्ट जेनरेशन कंप्यूटर्स की एक पिक्चर है, और इसके जो आपको बॉटम में जो तस्वीर नज़र आ रही है, दैट इज़ द वैक्यूम ट्यूब दैट वर यूज्ड इनसाइड देम। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपके पास फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के साथ जो हैं वो एसोसिएटेड हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, द कंप्यूटर्स वर वेरी लार्ज इन साइज, ठीक है, इनका साइज बहुत बड़ा था, दे कंज्यूम्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, दे हीटेड वेरी सून ड्यू टू थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूनिवैक कंप्यूटर में 17,000 वैक्यूम ट्यूब्स जो हैं वो यूज़ हुई थी, दे आर नॉट रिलायबल, क्यों? क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली बर्न आउट जो है वो कर जाती थी, एयर कंडीशनिंग वॉज रिक्वायर्ड जस्ट टू कीप अ बैलेंस इन द टेम्परेचर, कॉन्स्टेंट मेंटेनेंस वॉज रिक्वायर्ड, दैट इज एक्चुअली रिलेटेड विद द फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट ऑफ द वैक्यूम ट्यूब्स, नॉन पोर्टेबल, आप इनको इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं ले जा सकते थे, कॉस्टली कमर्शियल प्रोडक्शन, इनको प्रोड्यूस करना, इनको जो है मैन्युफैक्चर करना जो है वो बहुत ही कॉस्टली था, लिमिटेड कमर्शियल यूज, इसी वजह से इसका जो इस्तेमाल है वो भी मिनिमम था, स्पीड वेरी लो, इसकी स्पीड बहुत कम थी, लिमिटेड प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज, इसके अंदर जो काम करने की सलाहियत है या जो इसकी फंक्शनैलिटी थी वो बहुत लिमिटेड थी, यूज्ड मशीन लैंग्वेज ओनली, सिर्फ और सिर्फ जो है ये जो आपके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं उसको अंडरस्टैंड कर सकता था, जीरोज एंड वंस और ट्रू एंड फॉल्स और ऑन एंड ऑफ, एंड यूज मैग्नेटिक ड्रम, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि जो स्टोरेज के लिए टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी वो मैग्नेटिक ड्रम्स की थी, राइट? और मैग्नेटिक ड्रम जो है दे प्रोवाइड वेरी लेस डेटा स्टोरेज, तो आप कह सकते हैं कि इसमें डेटा स्टोरेज की फैसिलिटी बहुत मिनिमम थी। ये आपके पास डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की, और उनके सामने उनका करस्पॉन्डिंग ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भी गिवन है, ठीक है? एनीएक, एडसैक, एडवैक और यूनिवैक कंप्यूटर्स, ये तमाम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम आते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की तरफ, जो है कि है 1959 से 1964 तक। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी वो थे ट्रांजिस्टर्स, जो कि 1959 में जो है वो इन्वेंट किए गए थे। ट्रांजिस्टर्स क्या हैं? थ्री लैग कॉम्पोनेंट विच श्रंक द साइज ऑफ द जनरेशन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, ऑक्यूपाइड ओनली 1/100 ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ वैक्यूम ट्यूब। तो आप यहाँ से देख लें, सबसे पहला डिफरेंस जो आया सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में वो आपके साइज में आया, क्योंकि आपका जो ट्रांजिस्टर था वो एक आपके जो वैक्यूम ट्यूब है उसकी बनिस्बत 1/100 मीन 100 में से एक हिस्सा जो है वो ऑक्यूपाई करता था, तो आप इमेजिन कर लें कि साइज जो है वो कितना ज़्यादा श्रंक हो गया। दे आर मोर रिलायबल, ज़्यादा रिलायबल हैं, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली बर्न आउट वाला प्रॉब्लम इनके साथ नहीं है, एट ग्रेटर कंप्यूटेशनल स्पीड, रिक्वायर्ड नो वार्म अप टाइम एंड कंज्यूम फार लेस इलेक्ट्रिसिटी, और इनकी जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन है वो भी कम है, तो इन रिस्पॉन्स में जो हीट प्रोड्यूस करते हैं ऑब्वियसली वो भी कम है, सो दैट इज़ वाई दे आर बेटर देन दी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स।
एडवांटेजेस की बात करते हैं स्टूडेंट्स सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स की, तो दे वर लाइक स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स. वो मैं आपको बता चुका हूँ कि ट्रांजिस्टर वुड ऑक्यूपाई 1/100 स्पेस एज कम्पेयर टू अ स्पेस ऑक्यूपाइड बाई द वैक्यूम ट्यूब. उसके अलावा जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स हैं दे वर मोर रिलायबल, क्योंकि वो उनकी जो अवेलेबिलिटी रेट था वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो ज़्यादा था, बिकॉज दे वर नॉट सब्जेक्ट टू फ्रीक्वेंट बर्न आउट, use less energy and were not heated as much as the first one because of the use of transistors. Speed jo hai wo inki better thi, better portability as compared to the first generation, matlab easily portable the, aap inko ek jagah se dusri jagah jo hai wo move kar sakte the as compared to the first generation computer. theek hai, accuracy jo hai wo inki improve ki gayi and they would use assembly language as well. jaisa ki aapko bataya tha ki jo first generation computers hai they would only understand the machine language or the language of ones and zeros. लेकिन जो ट्रांजिस्टर बेस्ड सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैं ये आपकी असेंबली लैंग्वेज को भी एक्सप्लेन अंडरस्टैंड जो है वो कर सकते थे, राइट. तो अगर आप डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस जो हैं वो समझना चाहेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम उसको भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है. डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं. तो कॉन्स्टेंट मेंटेनेंस वॉज रिक्वायर्ड, मेंटेनेंस की ज़रूरत यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा थी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में. कमर्शियल प्रोडक्शन जो है वो इसकी डिफिकल्ट थी, कॉस्टली एंड नॉट वर्सटाइल, ठीक है. कॉस्ट इस पे ज़्यादा आती थी, येस दे आर नॉट दैट मच कॉस्टली एज कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, बट दे वर कॉस्टली एंड नॉट वर्सटाइल मीन्स के दे वर यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पसेज एंड दे वर नॉट वर्सटाइल. पंच कार्ड्स वर यूज फॉर इनपुट, इनपुट देने के लिए कंप्यूटर को हम पंच कार्ड्स जो है उस वो यूज़ करते थे. ये देख लें स्टूडेंट्स, ये आपके पास एग्जाम्पल है पंच कार्ड्स की. इसमें ये पेपर बेस्ड कार्ड्स होते थे और इसमें ऐसे होल्स जो हैं वो क्रिएट करके तो डाटा और इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट किया जाता था और फिर इस कार्ड को एक कार्ड रीडर में जो है वो इंसर्ट कर दिया जाता था. वो कार्ड रीडर जो है उस पर से इन्फॉर्मेशन को रीड करके और फिर उसको डिजिटल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता था. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके पास सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स की. इसमें जो है वो आप देख सकते हैं IBM 7094 एंड IBM 7030, ये बहुत फेमस कंप्यूटर्स हैं सेकेंड जनरेशन के. इसके अलावा यूनिवैक 1108 जो भी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स का हिस्सा है. उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की. एंड थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज़ फ्रॉम 1965 टू 1970. द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स अरोज इन 1965 विद द इन्वेंशन ऑफ स्मॉलर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट ICs. तो बुनियादी तौर पे जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी थर्ड जनरेशन में वो है आईसी. आईसी क्या चीज़ है? दे आर स्मॉल स्क्वेयर सिलिकॉन चिप्स कंटेनिंग सर्किट्री दैट कैन परफॉर्म फंक्शंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है. एक सिलिकॉन चिप बेस्ड टेक्नोलॉजी है आपके पास इंटीग्रेटेड सर्किट, और एक आईसी के अंदर जो है वो हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजिस्टर की फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने की एबिलिटी जो है वो मौजूद है. Users interacted with the third generation computers through keyboards and monitors and interface with an operating system. लेकिन जैसे कि आपको इससे पहले मैंने बताया है कि इनपुट करने के लिए हमारे पास जो है वो पंच कार्ड्स यूज होते थे और वहाँ पे जो आउटपुट था वो सिर्फ और सिर्फ हार्ड फॉर्म में हम प्रिंट करके प्रोड्यूस कर सकते थे, यूज कर सकते थे. लेकिन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हमारे पास पहली जनरेशन है जिसमें हमने कीबोर्ड और मोनीटर्स का इस्तेमाल किया और इसके अलावा कंप्यूटर्स को जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जो है वो इंटरफेस किया गया एंड कंप्यूटर्स को ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू यूज़ किया गया. अलाउड द डिवाइसेस टू रन मेनी डिफरेंट एप्लीकेशंस एट वन टाइम, ठीक है. और ये जैसे कि वर्सटाइलिटी की बात पीछे होती रही कि फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वर नॉट वर्सटाइल एट ऑल, सो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो है इसमें वर्सटाइलिटी को इंट्रोड्यूस करवाया गया और इसने आपको इनेबल किया कि आप एक से ज़्यादा ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं. जो बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं आपके पास थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के वो हैं रिलायबिलिटी, और मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि रिलायबिलिटी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद अवेलेबिलिटी. तो जो चीज़ जितनी ज़्यादा अवेलेबल होगी उसमें जितना ज़्यादा फेलियर के चांसेस कम होंगे उतनी ज़्यादा वो रिलायबल होगी. तो अनलाइक वैक्यूम ट्यूब सिलिकॉन विल नॉट ब्रेक डाउन ईजिली, इट इज़ वेरी सेल्डम दैट यू विल हैव टू रिप्लेस इट. तो एक तो इसमें फेलियर रेट जो है वो फर्स्ट टू जनरेशन के कंपैरेटिवली बहुत लो था, और सेकेंडली आपको इसमें जो रिप्लेसमेंट करनी पड़ती थी वो तकरीबन जो है वो ना करने के बराबर थी. तो दैट इज़ वाई दे वर हाईली रिलायबल.
और कॉस्ट इसकी लो थी। सिलिकॉन चिप्स आर रिलेटिवली चीपर बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज एंड अवेलेबिलिटी इन द मार्केट। एक तो इसका साइज कम है और मार्केट में इजीली अवेलेबल है, तो इसकी वजह से जो आपके थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स का साइज था वो भी कम था, और उसके अलावा जो उस पर कॉस्ट थी वो भी कम थी। एंड इट ऑल्सो कंज्यूम्स लेस इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही थी वो भी कम थी, और इंटर्न जो पावर या जो आपके पास हीट प्रोड्यूस होती है वो भी मिनिमम थी। सो दे वर फार फार बेटर देन फर्स्ट टू जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, यू हैव एन एग्जाम्पल ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। आप इसका साइज जो है वो कंपेयर कर लें फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर से, तो दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल साइज कंप्यूटर्स एज कम्पेयर टू दोज। और नीचे जो है वो आपके पास इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी की एक पिक्चर मौजूद है, और आप देख सकते हैं कि इसका साइज वैक्यूम ट्यूब्स और ट्रांजिस्टर से कम तो है ही। इसके अलावा जैसे कि आपको बताया है कि एक इंटीग्रेटेड सर्किट हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स की फंक्शनैलिटी जो है वो परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद स्टूडेंट्स बात करते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, द मॉडर्न जनरेशन, दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम 1971 एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी प्रेजेंट टिल नाउ। और फोर्थ जनरेशन में जो बेसिकली हमारे पास टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो है माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड टेक्नोलॉजी। माइक्रो प्रोसेसर क्या है? इट्स अ सिलिकॉन चिप दैट कंटेन्स द सीपीयू, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वेयर ऑल द प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस, राइट। जो हमारे पास अर्लियर माइक्रो प्रोसेसर थे वो थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स जो है उसकी जो जैसे कि लिखा हुआ है, अर्लियर माइक्रो प्रोसेसर है थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स ऑन द सिलिकॉन वेफर, बट द नंबर हैज रीच बिलियंस इन द प्रेजेंट। और 2019 में हमारे पास जो एक AMD एपिक्रोम जो प्रोसेसर हमारे पास सामने आया है मार्केट में, उस पर 39 बिलियन से ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो एक चिप पर मौजूद हैं, ठीक है। उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है बुनियादी तौर पे वो 39 बिलियन ट्रांजिस्टर्स तक की जो फंक्शनैलिटी है उसको रेप्लीकेट कर सकती है, ठीक है। 4004 चिप जो है दैट वॉज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंटेल कॉर्पोरेशन, राइट। ओके, सो टुडेज कंप्यूटर दे आर क्लासिफाइड एज फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। दे आर फास्टर, मोर पावरफुल, ट्रेमेंडस डेटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग कैपेसिटी। न्यू ब्रांड्स एंड मॉडल्स वुड कम आउट टू द मार्केट ऑलमोस्ट एवरी मंथ, जैसे कि आप देखते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम न्यू से न्यू कंप्यूटर्स एंड न्यू मशीन्स आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड। Many clones or imitations of the IBM have become even more powerful and a lot cheaper. Clone या imitation कहते हैं replica को, जब किसी चीज़ को replicate किया जाता है उसकी copy बनाकर जो है वो market में available की जाती है। तो normally होता क्या है कि जो आपके पास original microprocessor है IBM का, that is expensive. जो clones हैं वो comparatively they are cheaper, so that is why they become often more famous in the market, right? Computers became more affordable now in the fourth generations, can now be found in homes, schools, offices. There has been a tremendous improvement in software technology, different software applications to choose from, word processing, spreadsheet, database management, games and entertainment. Computers are subjects are now being offered not just to college students but even to high schools and elementary. Computers are now used as एंड एड इन टीचिंग मैथ साइंस एट्रेक्टर। एड मीन्स के उसको हेल्पिंग टूल के तौर पर यूज़ किया जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि फॉर दीज ऑनलाइन क्लासेज वी आर यूजिंग कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर टूल्स टू एक्चुअली मेक अस फैसिलिटेट फॉर देम। ये आपके पास जी एक फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की पिक्चर है, और नीचे जो है वो बॉटम में आप देख सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर जो कि सिलिकॉन चिप बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर है वो आपको दिखाया गया है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की, और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स और फिफ्थ जनरेशन पे काम स्टार्ट हो चुका है, और कहा यह जाता है कि ये हमारे कंप्यूटर्स का फ्यूचर है। और बेसिक मोटिव क्या है कि फिफ्थ जनरेशन में कंप्यूटर्स को आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। ह्यूमन बींग्स आर नेचुरली इंटेलिजेंट, दे कैन रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट इनपुट, दे कैन टेक इंटेलिजेंट डिसीजन, और कोशिश की जा रही है कि कंप्यूटर को भी आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट जो है वो बनाया जाए। द गोल ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग इज टू डेवलप डिवाइसेस दैट रिस्पॉन्ड टू नेचुरल लैंग्वेज इनपुट एंड आर केपेबल ऑफ लर्निंग एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। अगर कंप्यूटर इंटेलिजेंट हो जाते हैं तो वो अपनी इन्वायरमेंट से लर्न भी कर सकेंगे और इंटेलिजेंटली रिस्पॉन्स भी कर सकेंगे डिफरेंट इवेंट्स को, राइट। सो दे वर द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। आई होप दैट यू हैव गॉट सम आइडिया अबाउट देम।